तो उसने आपको ढेर सारी बधाई की आपके स्वतंत्र निर्देशन में फिल्म बनने जा रही है, क्या कहना चाहेंगे? थैंक यू राम भाई, आप तो मेरे एसोसिएट में, जब मैं एसोसिएट फिल्में करता था तो आप तो बहुत आते थे इंटरव्यू देने के लिए। मैं सोचता था कि यार राम भाई मेरा क्यों इंटरव्यू नहीं ले रहा है, आज वो दिन आ गया, वो वक्त आ गया, मेरा राम भाई सेंटर लो, मेरा राम भाई आज मेरा इंटरव्यू ले रहा है, मुझे बहुत खुशी है। और सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि मैं आज इंडिपेंडेंट डायरेक्ट कर रहा हूँ ये फिल्म धड़केला करिज्मा तोहरे नामे, और इस फिल्म का डायरेक्टर मैं हूँ, राइटर मैं हूँ, कहानी मैं लिखा हूँ, और इसके संवाद जो लिखा हूँ वो बहुत प्यारे संवाद हैं, लव स्टोरी फिल्म है। अगर जहाँ लव ट्रैक आता है वहाँ एक खूबसूरत डायलॉग सुनने को मिलेगा, ऑडियंस को देखने को मिलेगा, लव सीन मिलेंगे, और जहाँ वो टेंस वाला मामला आएगा वहाँ एक अच्छा डायलॉग प्ले होगा टेंस का, वो भी ऑडियंस लुत्फ उठाएगी। और मैं उम्मीद करूँगा कि ऑडियंस को मेरी ये फिल्म पसंद आए। हालांकि लव स्टोरी फिल्में तो बहुत लोग बनाते हैं, इंडस्ट्री है, सबका अपना अपना एक विजुअल होता है, सब सोचते हैं कि ये लव स्टोरी है, वो लव स्टोरी है, लेकिन मुझे मानना है कि शायद मैं जो इस लव स्टोरी को प्ले कर रहा हूँ इस फिल्म में, शायद है कि वो सबसे हटके होगा। ये फिल्म बहुत साल पहले पुरानी कहानी उठाया हूँ मैं, मुझे उम्मीद है कि इस फिल्म को लोग पसंद करेंगे। जी बात करें इसमें जैसे कि हीरो को आपने एकदम पूरा खून से लथपथ दिखा दिया है, तो जाहिर सी बात दिख रहा होगा उसका करेजा बहुत ज्यादा किसी के लिए धड़क रहा होगा, तो हम जानना चाहेंगे किसके लिए उनका करेजा आप धड़का रहे हैं। हाँ ये तो सही बात है, खून से लथपथ है हीरो, सबसे पहले हीरो से पहले तो मेरा दिल धड़क रहा था कभी, तो जब मेरा दिल धड़कना सीखा, मेरा दिल धड़का किसी के लिए, तो फिर मैं सोचा कि मैं किसी और के लिए किसी और का भी दिल धड़का दूं, किसी और को भी बता दूं कि प्यार हुआ था कभी मुझे भी। हाँ और ये स्टोरी ऐसी है, लव स्टोरी है, मैं